मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हर दिन कुछ नया करने में जुटे रहते हैं। कभी वो नालियों में उतरकर गंदगी साफ करते हैं, तो कभी विकास कार्यों के लिए चप्पल जूते पैरों में पहनना छोड़ देते हैं। हाल ही में उनका एक और वीडियो सामने आया है जहां मंत्री तोमर ने घर छोड़ तंबू में रात गुजारी और जन चौपाल लगाई, साथ ही अधिकारियों को विकास कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि गुरुवार रात ग्वालियर शहर के फूलबाग सेवा नगर से लेकर किला गेट तक हजीरा तक जो है सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो है निरीक्षण करने वो पहुंचे थे, लेकिन किला गेट चौराहे पर जाकर मंत्री तोमर रुक गए और मौके पर मौजूद अधिकारियों और अपने समर्थकों से बोले कि आज रात मैं ही रुकूंगा। यहाँ के निवासी व्यापारियों के मकान और दुकान सड़क चौड़ीकरण में जो है टूटी है, उनका त्याग और बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए खुले दिल से सहयोग किया है। सड़कें खुदी पड़ी है, मलबा हटाया जा रहा है, काम चल रहा है, लेकिन काम में और तेजी आए और समय सीमा में काम पूरा हो, इसीलिए मैं अपने स्थानीय लोगों और साथियों के साथ पूरी रात किला गेट चौराहे पर गुजारूंगा।